जय माता रानी से मित्रों को, जय माँ भवानी की। दोस्तों क्या हाल चाल है? दोस्तों कल एक विचित्र घटना हुई, कोई चीज थी जो मिल नहीं रही थी, उसका मिलना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने दूसरी बार पंचांगली साधना का उपयोग किया। वैसे तो पंचांगली साधना ज्योतिष के लिए होती है, लेकिन मैंने अनुभव किया है जिस जिस व्यक्ति को पंचांगली साधना का अनुभव होता है, मतलब की हुई होती है अच्छी तरह से, अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में, बिना गुरु के साधना नहीं होती है, तो उसका अचूक परिणाम आता है। और कल मैंने इसको इस्तेमाल किया दोबारा से, तो समझ लीजिए ऐसा चमत्कारिक परिणाम आया और प्रभाव आया, मैं दंग रह गया। इस घटना का मैंने कईयों से वो भी किया, वर्णन किया, बताया कर कई लोगों को, तो सबने कहा कि इस साधना को करवाओ अपने ग्रुप के माध्यम से, लोगों को अनुभव मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, समझदारी आएगी, क्योंकि ये एक अचूक साधना है। और मैं आए दिन मतलब मैसेज भी देखता हूँ व्हाट्सएप पर, अभी 10-15 दिन पहले भी मैंने लगातार लोगों के मैसेज देखे थे, उससे पहले नवरात्रि में मैसेज देखे थे, मैंने सबके पंचांगली साधना के लिए बहुत मैसेज थे। और शायद दो तीन साधना ऐसी हैं इनके लिए बहुत मैसेज आते हैं, एक हनुमान जी की, एक पंचांगली, एक काली माँ, एक कर्ण प्रशासनी और एक छाया पुरुष, इन साधनाओं के लिए, एक अप्सरा साधना है, इनके लिए बहुत मैसेज आते हैं, तो उसमें पंचांगली साधना विशेष है। तो दोस्तों कोशिश करता हूँ मैं, क्योंकि रात की घटना इतनी चमत्कारी है कि मैं खुद दंग रह गया, इतना स्पष्ट सटीक जवाब जो आदमी सोच भी नहीं सकता है, जहाँ तक आदमी की सोच नहीं जा सकती। तो माता पंचांगली का प्रत्यक्ष मतलब प्रभाव देखा मैंने कल रात को। तो हो सकता है 4-5 दिन में इसका मैं ग्रुप के माध्यम से आपको सबको इसका कराऊं, मैं इसको मज़ा आएगा, आपको अनुभव मिलेगा, और आप इसको एक नहीं 2-3 बार करिएगा। मैं तो आपको एक ही बार बताऊंगा ग्रुप के माध्यम से, आप 3 बार करिएगा, अगर सफल नहीं मिलती, सफलता अवश्य मिलेगी। मैंने इसको 3 बार किया है, ध्यान रखिएगा, मैंने खुद, तो मुझे इसकी एक एक चीज़ मालूम है, एक एक चीज़ के क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आप इस साधना को करिए और फिर देखिए इसका प्रभाव। हमारे एक मित्र थे जो जिनको हम कालीचरण महाराज कहते थे, तो इनको पंचांगली साधना का बहुत अनुभव था। मित्रों उनको इतना जबरदस्त अनुभव था, मतलब उन्होंने इसको जीवन में 11 बार दोहराया था उस साधना को, और उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई उसके माध्यम से ही मैंने उसको 3 बार में सफल कर लिया था, जो उनके अनुभव थे उसके माध्यम से। वो मुझसे 10 साल बड़े थे, अब तो वो बाहर रहते हैं कहीं, उनका स्थान मथुरा से बाहर है, वो भी कई अच्छे सिद्ध साधक रहे। तो उन्होंने बताया था कि एक बार वो कहीं गए हुए थे, और वो किसी गाड़ी में सवार होने वाले थे, कोई ऑटो था बड़ा वाला, मतलब किसी जगह जाने के लिए। पहले तो वो बस से गए, वो सफ़र था उनका लंबा, बस से गए, फिर वो उनको ऑटो में सवार होना था किसी जगह, 15-20 किलोमीटर का फासला था, तो बड़ा ऑटो होता है ना जो, तो सवार होना था। और पंचांगली साधना का चमत्कार देखिए कि ऑटो में सवार हो गए वो, और सवार होने के बाद अचानक उनको एक आवाज़ कान में आती है, मतलब एक अंदर से गूंजती हुई आवाज़,
मन में और आवाज़ ये थी कि उतर जा तू, नहीं तो बचेगा नहीं। उन्होंने उसको तुरंत गंभीरता से लिया, क्योंकि उनके संग ये चमत्कारिक घटनाएं हो चुकी थी पंचामृत साधना के दौरान, और वही चीज़ें हुई थी, उतर जा तू नहीं तो बचेगा नहीं। तो दोस्तों वह उतर गए, वो वहाँ से वहीं बीच पर उन्होंने ऑटो रुकवा करके रोड पर ही उतर गए वो। और उन्होंने बताया बाद में कि उसका किसी ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था, तो ऑटो का बड़े ऑटो का, तो उसमें कई सवारी घायल हो गई और कई मर गई थी। वो भयानक एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि वो जिस जगह बैठे थे उस हिस्से का कचूमर निकल गया था, मतलब उनका बचना नामुमकिन था। तो उन्होंने ये अनुभव दिया था। कल मेरे जो अनुभव हुआ है रात को, वो भी बहुत चमत्कारी अनुभव है, क्योंकि उसकी सोच भी नहीं जा सकती आदमी की वहाँ तक। तो मैं इसको कराऊँगा आपको, मैं ये अनुभव आप लोगों को भी होना चाहिए, ताकि भविष्य में आप नुकसान से बच सकें, किसी प्रकार की परेशानी से बच सकें, और कोई चीज़ या कोई हल आपको चाहिए तत्काल, तो आप रात में सोच करके सुबह उसका हल प्राप्त कर सकें। तो वैसे जी, और जो सोमवार पड़ रहा है 4 सितंबर का, उस दिन बहुत बढ़िया दिन लग रहा है इसका मुझे, क्योंकि मुहूर्त सारे वही बन रहे हैं जो पंचांगली में चाहिए हमें, सारी चीज़ें वही बन रही हैं। तो हो सकता है मैं ग्रुप बना करके करूँ, अगर मेरे पास समय रहा तो ग्रुप बना करके आपको पंचांगली अवश्य कराऊँगा। अब कुछ प्रश्न आपके, भेद पंचांगली और कर्ण प्रशासनी का भेद। देखिए, कर्ण प्रशासनी कुछ विशेष मामलों में ही बताती है, और पंचांगली क्योंकि ज्योतिष से जुड़ी होने के कारण ये कई मामलों में बताती है। ये इसका भेद है। पंचांगली क्योंकि एक ज्योतिष से जुड़ी हुई विद्या है, तो वो आदमी को ज़्यादातर समय बताती है, लेकिन जो कर्ण प्रशासनी है वो खुद कुछ विषयों में और कुछ खास समय के अंतराल पर ही बताती है, मतलब घटी हुई घटनाएं ज़्यादा बताती है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा भेद यहाँ पे आ जाता है। ज्योतिष क्योंकि भविष्य दर्शन शास्त्र है, तो भविष्य दर्शन शास्त्र के हिसाब से पंचांगली आगे तक का बताती है, तो ये उसमें भेद होता है। और शायद पंचांगली इस साल में ये अब मैं इसके बाद 1 साल तक साधना को 2 साल तक नहीं कराऊँगा कभी, तो ये मौका आपको मैं दे रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मिल जाएगा मुझे मालूम है, तो फिर देखते हैं आपको, ठीक है ना। और ख़ास लोग ही जुड़ेंगे, ज़्यादा मैं लोगों को जुड़ूंगा भी नहीं, जैसे पहले बंद कर दिया था जल्दी मैंने क्रोध भैरव का ग्रुप, और क्रोध भैरव के ग्रुप में मैंने एक बात देखी, पर्सनल मैसेज बहुत आ रहे हैं अभी तक आ रहे हैं, उसमें जितने ज़बरदस्त अनुभव हुए मैंने किसी साधना में आज तक नहीं देखे। और क्रोध भैरव करने वाले और भी लोग मुझे कह रहे हैं, तो मैं उनको बता दूँ कि क्रोध भैरव की जो है मैं दोबारा करवाऊँगा आपको, क्योंकि इतने अच्छे रिजल्ट आए, तो मुझे मन में एक और ज़्यादा वो हुई, आशा का संचार हुआ कि लोग बाग कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट इतने अच्छे आए हैं, वो मैं समझ सकता हूँ उसी हिसाब से कि लोगों ने मेहनत की है। क्योंकि देखिए, हमें हमारे बताने में क्या, हमने तो बता दिया आपको, सही चीज़ दे दी, लाइन दे दी आपको, लेकिन मेहनत तो आपको ही करनी है, मैं नहीं करूँगा आपकी जगह, और नहीं आपकी जगह कोई और करेगा, क्योंकि ये तो हमने आपको बता दिया, इससे आगे का काम आपका है, ना कि मेरा, समझ गए ना आप, ये चीज़ समझ लीजिए आप अच्छी तरह से। बरसात पड़ के चुकी है, वो बादल दिख रहे हैं तो दोस्तों सामने नीचे की तरफ, तो नीचे बादल चल रहे हैं इस समय बहुत, और लगातार पानी पड़ा है 2 दिन। तो अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो पंचांगली साधना है उसको जो करने वाले हैं वो 18-19 साल से ऊपर ही होने चाहिए, धीरे गंभीर साधना कहते हैं इसको, तो छोटे उम्र के लोग इसे कदापि ना करें, क्योंकि ज्योतिष से जुड़ी उससे अटैच होने के कारण थोड़ा सा बुद्धि का विकास हो, आदमी का नेक मैच्योर उसमें आ जाए, तभी ये करनी चाहिए, तभी मज़ा आए, ठीक है ना मित्रों। तो आप इसे करिए और इसका चमत्कार देखिए, और मुझे भी बताइए, और मैं आपको ये साधना ग्रुप के माध्यम से कराता हूँ, क्योंकि मैसेज तो बहुत लोगों के बहुत दिन से आ रहे थे, लेकिन जो मेरे संग घटना घटी है कल रात को,
वो चमत्कार वाली तो मैं समझ गया कि कराना चाहिए इस चीज़ को, मुझे लगा कि कराना चाहिए। पहले मैंने बहुत लोगों को टाल दिया, मैं सैकड़ों मैसेजों को मैंने वो कर दिया, इग्नोर कर दिया मैंने लोगों के पंचांगली करा दीजिए पंचांगली, मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने कहा नहीं नहीं आपके लायक नहीं है, साधना रहने दीजिए यूँ करके। लेकिन मुझे लगा कि आपको इसमें फ़ायदा होगा क्योंकि आपको कुछ जानना है, पूछना है, करना है, तो फ़ायदा होगा। और प्लस इसमें एक चीज़ और है, इसमें कोई इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई इसका मतलब वो नहीं है, नेगेटिव पॉइंट नहीं है, तो ये आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि इसमें नया भी साधक करेगा तो उसको कोई परेशानी इससे नहीं होने वाली है, ये बात है मित्रों। और मैसेज आप जो भी जुड़ना चाहते हैं मैसेज आप उसी पे करेंगे 9760986145, ठीक है ना। दुर्गे देवी नमस्तभ्यम सर्वकामार्थ साधकम् सिद्धिम सिद्धिवा स्वप्ने स्वर प्रदर्शय, ये भी भूत भविष्य वर्तमान जानने का एक मंत्र है। तो इसको बहुत कम लोग कर पाते हैं क्योंकि दुर्गा जी के मंत्र थोड़ी लंबी अवधि लेते हैं और जो संख्या होती है वो अच्छी होती है काफ़ी। पंचांगली में ऐसा कोई बंधन नहीं है, इसमें संख्या बहुत कम होती है क्योंकि ये बनाई इसी उद्देश्य से गई है, ये बनाई इसी उद्देश्य से गई है। चलिए मित्रों आज का वीडियो इसी के लिए था क्योंकि मुझे बताना था। अब आपको क्या बताऊँ, बंधन ये है मेरी कि मैं वो चीज़ें नहीं बताता जो चमत्कार हुआ वो बता नहीं सकता आपको, क्योंकि ये चीज़ें अलाउ नहीं है कि कोई चीज़ मेरे संग घट गई। या आप भी ध्यान रखिएगा, आप गुरु के अलावा किसी को भी घटना के बारे में नहीं बताएंगे जो आपके संग इस साधना के दौरान घटेगी। और क्योंकि अभी ये हुआ है जो मैंने 2-3 बार ग्रुप चलाया उसमें कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं मित्रों, वो साधकों ने बताई हैं, तो मैं खुद चकित हो गया कि इतने अलौकिक मतलब वो अनुभव, बहुत तगड़े अनुभव, जैसे क्रोध भैरव में तो सबसे ज़्यादा, प्लस बगलामुखी ग्रुप, उससे पहले काली ग्रुप में। तो मुझे लगा कि ये भी करानी चाहिए आपको, इसमें उससे भी तगड़े अनुभव होंगे और उसमें शायद आपको एक ही बार में सफलता भी मिल जाए। क्योंकि मैंने 2-3 लोगों को पहले करा चुका हूँ अलग से, एक्स्ट्रा ग्रुप नहीं अलग से, तो उनको सफलता मिली है, बहुत अच्छी मिली है, वो आज तक कई चीज़ें मतलब लोगों को बताते हैं। चलिए मित्रों, जय माँ भवानी, जय माता रानी की। तो आप जिसको ऐड होना वो ग्रुप उसमें मैसेज कर देना, तो मैं आपको ऐड करूँगा। जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा। ओम ह्रीम बगलामुखी सब दुष्टानां वाचं मुखं पद्मस्थं जिह्वां कीलवद्भ्यां आशीर्वादं मम सहा।